राजस्थान में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। यहाँ पर तो कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा अब तक बरकरार है और धौलपुर जिला राजस्थान का ऐसा दुनिया का क्षेत्र बन गया है जहाँ पर कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का दर्ज किया गया है। 51 डिग्री सेल्सियस जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी शहर का टेम्परेचर है और लगातार 3-4 दिनों से इसी तरह का तापमान नज़र आ रहा है। ये भाई साहब भी है सर, आप तो धूप में निकले हैं, गर्मी बहुत तेज़ है आज तो। जी बिल्कुल बहुत तेज़ है, फिर भी आप आए श्रद्धा मंदिर में आए हैं क्योंकि धूप में बाबा के आगे सब गर्मी फैले। सब गर्मी है जी, लेकिन गर्मी से बचने की कोशिश तो करते होंगे आप, कोई तरीका? जी बिल्कुल, ठंडा पानी पीना पड़ता है, छाछ वगैरह लेनी पड़ती है, ठंडा पानी पी रहा है। ये देखिए गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर भी धूप में निकलना मजबूरी? मजबूरी है और कुछ घर के कुछ काम ऐसे होते हैं कि निकलना ही पड़ता है। आपने भी गर्मी से बचने के लिए पूरी कोशिश की है, कपड़ा वपड़ा बांध रखा है? जी हाँ। परेशान है गर्मी से? गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान सर। गर्मी का क्या हाल है सर आज? गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजमर्रा के काम उनके लिए तो निकलना जरूरी होता ही होता है। लेकिन आप लोग सब यहाँ मंदिर भी आए हैं इतनी भीषण गर्मी में, कोई खास कारण? सर मंदिर का तो हमेशा का नियम है, वो तो आना ही है, और रोजमर्रा का काम है तो ऑफिस भी पास नहीं है। ये देखिए एक भाई साहब हैं, अपने दुपट्टा डाल रखे हैं, गर्मी से आप भी परेशान होंगे भाई साहब? दुपट्टा ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो 3-4 दिन से जान ही निकाल ली, कमी नहीं हो रही है। मैं करूँ 3-4 दिन से जान ही निकल गई, कूलर एसी सब फेल है, सब फेल है। केरल में तो सुना है मानसून आ गया, क्या राजस्थान के लोगों को इंतजार है? इंतजार तो है, लेकिन आपने यहाँ तो 20 या 25 जून के बाद ही आता है। 20 या 25 जून के बाद ही आता है, अब तक तो जून निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो मानसून आते इतने में जनता को मरना हो रहा है पूरा। जवान आदमी है, गर्मी भी लग रही है या केवल धूप में भाई साहब के साथ आ गए? नहीं गर्मी भी लग रही है और आना भी था मंदिर, इसलिए आ गए, गर्मी तो बहुत है। एक बात बताए ना, मंदिर ऐसा देखिए आपके आस्था से जुड़ा मामला, शाम को भी आ जा सकता है फिर भी धूप में, क्योंकि रूटीन है। गाँव जाना है हमें अभी गाँव जाना है, इसलिए शाम को आ सकते थे, लेकिन हमें गाँव जाना है और गांव में गर्मी की कोई परवाह, गांव में एक डेथ हो गई, वही गर्मी की वजह से, वो घूमने गए थे कुल्लू मनाली और वहां पानी में बह गया सेल्फी के चक्कर में बच्चा, तो वहां जाना जरूरी है। ये देखिए ये है लोग हैं, गर्मी से परेशान भी है, राहत का इंतजार भी है, लेकिन यहां पर कई सारे लोग हैं। एक भाई साहब और आए हैं, भाई साहब रुमाल उमाल सब बांध के आए हैं, गर्मी ने परेशान आपको भी कर रखा है मतलब? जी गर्मी तो बहुत तेज है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे हिसाब से अभी तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी है कभी भी। तो रात को भी यही इतनी मतलब मौसम गर्म ही रहता है या रात को थोड़ी ठंडक नज़र आती है राजस्थान? नहीं सर अभी भी हाल फिलहाल ये हालत है कि रात को भी गर्म लू चलती है और गर्म हवाएं हैं, बड़ी हालत ख़राब हो रखी है। एसी या कूलर तो लगा होगा घर में काम कर रहे हैं, वो सब ढंग से या हवा लगता है कि कम हो रही है? नहीं सर एक्चुअल में क्या है, देखिए आप जब मौसम ही गर्म होगा और अभी हम देख रहे हैं जयपुर के अंदर भी 47-48 डिग्री तापमान है, तो ऐसे मौसम के अंदर आप कूलर एसी कितना भी चलाइए वो काम नहीं करता है। ये है देखिए जयपुर के लोग ईमानदारी से बता रहे हैं, यहाँ पर तापमान 46 डिग्री तक सेल्सियस पार कर चुका है, यानी कि हर रोज लगातार यहाँ के तापमान में इजाफा हो रहा है। पिछले 3 सालों में जयपुर में भी इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ी थी जितनी की इस बार इस महीने में कुछ दिनों में पिछले दिनों से पड़ रही है, 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। लोग आ रहे हैं, मजबूरी है इनकी आना, ये लेकिन इस तरह मुंह में कपड़े बांधकर सुरक्षा के तौर पर आ रहे हैं। ये बताइए सर, हाँ सर, गर्मी ने कितना परेशान कर रखा है इस बार, क्योंकि आपकी उम्र भी ज़्यादा लग रही है और आपने क्या इस तरह की गर्मी कभी पिछले कुछ सालों में देखी थी या इस बार ही ज़्यादा है? इस बार कुछ ज़्यादा है सर, हाँ। पहले 45 से ऊपर कभी टेम्परेचर नहीं गया, लेकिन इस बार 46 क्रॉस कर रहा है सर जयपुर में, जयपुर शहर में, दिल्ली जैसी सिटी के अंदर 48 आ गया बताओ। तो फिर आपके घरों में पानी वानी की भी कमी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में 22 छोटे बड़े बांध है, उसमें से 9 बांध पूरी तरह सूख चुके हैं, एक ड्रॉप पानी भी नहीं है, पानी वानी की क्या व्यवस्था होगी? पानी देखो मैं मानसरोवर में रहता हूँ, पानी अभी तक तो जो मेरी कॉलोनी है उसमें तो ठीक आ रहा है ना, बाकी जो आगे कॉलोनी है उसमें अभी बहुत समस्या है सर। समस्या है भाई साहब, आप लोग भी आए हैं यहाँ, देखिए ये है पूरे आस्था की बात है, मंदिर के दर्शन करना आए हैं क्योंकि शाम को और लंबी कतार लगती है, तो गर्मी से भाई साहब आप भी कितने परेशान हैं ये बताइए, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नजर आ रही है गर्मी में भी? तो क्या है जैसे आप सामने वाले मुस्कुरा रहे हैं तो ऑटोमेटिक मुस्कुराहट ही आएगी। गर्मी ने लेकिन परेशान कर रखा है? गर्मी ने परेशान कर रखा है थोड़ा। तो कैसे अपने आप को बचा रहे हैं गर्मी से? बचाने का एक ही तरीका है कि पानी पिए, नींबू की शिकंजी पिए, तरबूज खाएं, खरबूज खाएं, और रास्ते में यदि निकलें आप और कहीं भी स्थान पर जाएं तो वहां जाके गर्म चाय लें, ठंडी चीज़ ना लें।
गर्म चाय लें, ठंडी चीज ना लें। ये एक भाई है, देखिए जवान है, बाहर निकलना है रुमाल अपने साथ लेके चल रहा है, गर्मी है, परेशान बहुत ज्यादा, हेलमेट भी है रुमाल भी है, तो फिर बाहर क्यों निकले धूप में? भगवान के मंदिर में जाना। अच्छा, मंदिर आना जरूरी था, आस्था की बात है, फिर से भगवान के दर्शन भी करने थे, गर्मी थी, शाम को भीड़ से बचना भी है, ऐसे में यही कारण है कि लोग गर्मी की भी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन जो लोगों से, ये सभी लोग चाहते हैं कि जब भी इस तरह के किसी काम से बाहर निकले तो वे अपने आप सुरक्षा का पूरी तरह ध्यान रखें, गर्मी से बचाव की बात करें। लेकिन जहाँ तक राजस्थान की गर्मी का सवाल है, फिलहाल तो कम होने का नाम नहीं ले रही, हालांकि मौसम विभाग ने टेम्परेचर में कुछ गिरावट की बात जरूर कही है, लेकिन राहत देने वाली गिरावट की बात अभी तक नहीं कही, यानी कि तापमान 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा, जो कि अभी भी झुलसा देने वाला ही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।